तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गणेश जी को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाले उनके सबसे ज़्यादा फेवरेट मोदक की रेसिपी। तो ये जो मोदक हैं वो आज हम बनाने वाले हैं मिल्क पाउडर से, यानी कि पहले हम मिल्क पाउडर का मावा बनाएंगे और उससे हम ये मोदक बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में ही एक चम्मच घी डालना है, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है घी। तो घी अच्छा गर्म हो गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप नॉर्मल दूध। तो ये आधा कप दूध डाला है और 1/3 कप ये मैंने केसर वाला दूध लिया है। और दोनों चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप मिल्क पाउडर। ये 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है मैंने और इसमें डाल देंगे और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये मिल्क पाउडर को अच्छे से जो है मिक्स कर दिया है और अभी हमें इसे पकाना है। तो जब तक पकाना है जब तक कि जो है थिक ना हो जाए, एकदम अच्छे से थिक ना हो जाए और एकदम डो की फॉर्म में ना आ जाए, यानी कि इसका मावा ना बन जाए। जब तक हम इसको पकाएंगे तो बहुत ही जल्दी से जो है ये एकदम मावा की फॉर्म में आ जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है। और मैंने इसमें ये आधा चम्मच क्रश करी हुई इलायची डाल दी है। तो लगातार पकाते हुए ये देखिए एकदम मावा की फॉर्म में आ गया है, मावा हमारा बनकर तैयार है और ये जो है शेप में भी आने लगा है। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको जो है ठंडा होने देंगे और एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने मावा को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये कम्प्लीटली अच्छे से ठंडा हो गया है। और अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हमें जो है इसमें पाउडर शुगर मिलाना है। तो अभी कम्प्लीटली ठंडा हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पाउडर शुगर, यानी कि पिसी हुई चीनी। तो नॉर्मली जो घर में हम चीनी यूज़ करते हैं मैंने उसे ही यहाँ पर पीस कर लिया है 1/2 कप और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं एकदम डो की फॉर्म में आ गया है, काफ़ी चिकना भी हो गया है। तो बस ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसके मोदक बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये मोल्ड लिया है और इसको जो है अच्छे से घी से जो है ग्रीस कर लेंगे, यानी कि अच्छे से इसमें घी लगा लेंगे जिससे कि हमारा मोदक ईजिली बाहर आ जाए। और घी लगाने के बाद दोनों तरफ हमें जो है ये मावा लगाना है इस तरीके से। तो दोनों साइड इस तरीके से मावा लगा देंगे। आप चाहे तो इन्हें हाथों से भी बना सकते हैं। और अब मैंने ये ड्राई फ्रूट लिए हैं तो मैंने इसमें काजू बादाम पिस्ता और किशमिश ली हैं। तो काजू बादाम पिस्ता मैंने चॉप किए हुए लिए हैं और ये इस तरीके से दोनों साइड हमें जो है अच्छे से प्रेस करते हुए इसके बीच में रख देने हैं। अब हमें मोल्ड को बंद करना है और अच्छे से प्रेस करना है और जितना भी एक्स्ट्रा मावा है उसको हम जो है निकाल देंगे, मतलब कि साइड में हटा देंगे। और इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद अब हमें इसे ओपन करना है। अभी हमारा जो मोदक है वो बन चुका है और अब हम इसे मोल्ड से बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा और प्यारा हमारा जो है मोदक बनकर तैयार हुआ है। अभी हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरीके से जो है दूसरा मोदक भी बना लेंगे। तो पहले मोल्ड को जो है अच्छे से घी से जो है ग्रीस कर लेना है, उसके बाद दोनों तरफ जो है मावा को इस तरीके से रखना है। और अब हम जो है इसमें स्टफिंग करेंगे मेवा की। तो काजू बादाम पिस्ता और किशमिश की जो है स्टफिंग करेंगे। इसको बंद करने के बाद एकदम अच्छे से बंद करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा मावा है वो निकाल देंगे। उसके बाद हमें इसे खोलना है और ये देखिए हमारा मोदक बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं ये मोदक और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं ये मोदक। तो मोदक बनकर तैयार हैं सारे और इसके ऊपर मैंने जो है चांदी की वर्क लगा दी है, इससे देखने में और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ता भी लगा दिए हैं मैंने इसके ऊपर। तो ये मोदक हमारे बनकर तैयार हैं। तो आप अपने गणेश जी को ये मोदक का भोग लगाएं
उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं ये मोदक। और इनके अंदर हमने जो है मावा की स्टफिंग भी की है। तो आपके मोदक कैसे बने ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।